जय हिंद एंड हेलो गाइज, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदे होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ यूपी पुलिस कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म 2023-2024 मोबाइल से कैसे फिल करना है इसके बारे में, जहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा कि आपको कौन से ऑप्शन में क्या जानकारी भरनी है ताकि आपसे कोई मिस्टेक न हो। गाइज आपको ये वीडियो बिना स्किप किए देखना है, नहीं तो इतने टाइम के बाद में वैकेंसी आई है और फिर भी अगर आपसे कोई गलती हो गई तो ऐसे में आपको काफ़ी पछताना पड़ेगा। तो मैं नहीं चाहता कि आपसे कोई भी गलती हो, इसलिए यहां पर इसमें कॉमन मिस्टेक आप लोग करेंगे वो क्या करेंगे उसका सॉल्यूशन आपको इसी वीडियो में दिया जाएगा। अगर आप खुद से भरेंगे तो आप कोई ना कोई मिस्टेक इसमें जरूर कर देंगे, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मांगी है जिसमें कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहां पर हमें क्या और कैसे भरना है। इसलिए जानकारी अच्छे से आपको देख करके ही फॉर्म को भरना है, जल्दबाजी नहीं करना है। अब चलिए शुरू करते हैं। गाइज मैंने ऑलरेडी इसकी फॉर्म फिलअप की वीडियो कंप्यूटर से बना दी है। अगर आप लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप से अपना फॉर्म भर रहे हैं तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है ये हमारी वेबसाइट का है, जिसको ओपन करने के बाद में एलिजिबिलिटी की जानकारी आपके सामने आएगी। आपको अभी खुशखबरी भी मिली होगी कि अभी इसमें सभी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए एज के अंदर 3 साल की छूट दी गई है, तो ये अच्छी बात हुई है कि अभी कुछ और कैंडिडेट को मौका मिलेगा फॉर्म को भरने का। तो ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में आप यहां पर इंपोर्टेंट लिंक से ऊपर देख सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी फॉर्म फिलअप की वीडियो लैपटॉप और डेस्कटॉप से बना दी है। ये वीडियो वॉच करके आप अगर लैपटॉप से रहे हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं। अभी आपको यहां पर आना है इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन में और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करना है। इसके बाद गाइज आपके सामने अप्लाई की वेबसाइट आ जाएगी, जहां पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आपको यहां पर अप्लाई ऑनलाइन इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में यहां पर आपको प्रिलिमिनरी स्टेज की जानकारी भरनी है, जिसमें कि सबसे पहले आता है एप्लीकेंट फर्स्ट नेम, यानी कि आपको यहां पर आपका नाम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करना है। ध्यान दीजिए, फर्स्ट नेम ही आप यहां पर भरेंगे। फिर आपको यहां पर आपका लास्ट नेम एंटर करना है, एंड देन यहां पर आपको तीसरे पॉइंट में अपना पूरा नाम एंटर करना है, यानी कि कोई फर्स्ट नेम लास्ट नेम नहीं बल्कि पूरा नाम आपको यहां पर लिखना होगा। फिर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहां पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे। पहले आपका जो भी ईयर है वो आपको यहां पर सिलेक्ट कर लेना है, एंड देन गाइज यहां पर आपको आपका मंथ सिलेक्ट करना होगा और उसके बाद में डेट, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। इसके बाद में यहां पर आपको फादर नेम एंटर करना है, एंड देन यहां पर आपको आपकी मदर का नेम एंटर करना है। 7 पॉइंट में आपको आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। 8 पॉइंट में आप आपका मोबाइल नंबर एंटर करेंगे जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं। 9 पॉइंट में आपको आपका नंबर दोबारा से डाल करके वेरीफाई करना है। 10 पॉइंट में आप आपका आधार नंबर देंगे। अगर आपके पास आधार नहीं है तो आप इस ऑप्शन को चाहे तो खाली भी छोड़ सकते हैं, बट अगर आपके पास आधार है तो आपको यहां पर नंबर देना चाहिए, क्योंकि बाद में फिर प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बाद में 11 पॉइंट में आपको आपकी ईमेल आईडी एंटर करनी है जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं। ईमेल आईडी और नंबर ध्यानपूर्वक भरिएगा, क्योंकि इन फ्यूचर आपको जो भी इंफॉर्मेशन सेंड की जाएगी वो ईमेल और नंबर पर ही की जाएगी, तो इसमें कोई मिस्टेक मत कीजिएगा। फिर 12 पॉइंट में ईमेल आईडी को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। 13 पॉइंट में आपको यहां पर नेशनलिटी में इंडियन सेलेक्ट करना है। 14 पॉइंट में आपसे पूछा कि क्या आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी है, यानी कि आप यहां पर निवास करते हैं, आपके पास निवास प्रमाण पत्र है। अगर आप यूपी से है तो आप इसमें यस करेंगे, एंड देन फिर आपके सामने 14.A का एक सवाल आएगा, जहां पर है कि क्या आप SC ST OBC EWS DFF ESS AHG श्रेणी के अंतर्गत आरक्षण और या आयु में छूट का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, यानी कि अगर आप इन कैटेगरी के तहत आते हैं और आप यहां पर रिजर्वेशन क्लेम करना चाहते हैं तो आप यहां पर यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आपकी कैटेगरी इनमें से कोई नहीं है SST OBC EWS DFF तो आप इसमें नो कीजिए, अगर आपकी इनमें से कोई कैटेगरी है तो आप यस करेंगे। यस करने के बाद में 14.B आता है, मूल निवास प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले उत्तर प्रदेश राज्य का प्राधिकारी, यानी कि जो आपका निवास प्रमाण पत्र है वो आपका इनमें से कौन से प्राधिकारी ने जारी किया है, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, तहसीलदार। आपका जो निवास प्रमाण पत्र है उसके ऊपर मेंशन भी होगा कि कौन से पोस्ट के अधिकारी ने आपका सर्टिफिकेट जारी किया है, उसी अधिकारी की जो पोस्ट है वो यहां पर आपको सिलेक्ट करनी है। अब गाइज यहां पर मैं आपको एक स्पेशल जानकारी दे रहा हूं जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, इसलिए आप इस पार्ट को स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आप बहुत कुछ मिस कर जाएंगे। तो गाइज जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपके यूपी पुलिस के 60,244 पोस्ट पर फॉर्म फिलअप किए जा रहे हैं, तो ऐसे में गाइज आप लोग यहां पर कड़ी मेहनत कर रहे हैं अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करने में। बट यहां पर गाइज जिन बुक का इस्तेमाल आप कर रहे हैं जो कि मार्केट के अंदर अवेलेबल है वो आपकी इनसफिशियंट है, यानी कि वो पर्याप्त नहीं है इस एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए, क्योंकि गाइज आपके पास काफी कम समय है आपके एग्जाम में, क्योंकि आपकी जो यहां पर
एग्जाम डेट शुरुआती तौर पर जारी की गई है वो आपकी 11 फरवरी 2024 है। तो ऐसे में आपके पास काफ़ी कम समय है अपनी प्रिपरेशन करने के लिए और आप चाहते कि आप अपनी एक सीट पक्की कर सके इतने कम समय के अंदर, तो वो कैसे होगी? वो गाइज यहाँ पर आपकी पॉसिबल होगी MMB टीचिंग पॉइंट के नोट्स के द्वारा, क्योंकि गाइज यहाँ पर जो MMB टीचिंग पॉइंट है इन्होंने अपने नोट्स तैयार किए हैं जिसमें कि गाइज आपको सभी कुछ लेटेस्ट सिलेबस के अनुसार दिया है टॉपिक वाइज, जिसमें कि आप देख सकते हैं हिंदी, न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी, मेंटल एप्टीट्यूड, IQ, रीजनिंग एबिलिटी, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, ये सभी सब्जेक्ट कवर किए गए हैं। साथ ही साथ इसी नोट्स में आपको 100+ प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पर सभी विषयों के पिछले वर्षों के सभी विस्तृत हल प्रश्न पत्र भी आपको इस नोट के अंदर दिए गए हैं। तो गाइज ये नोट्स आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा अगर आप अपनी एक सीट पक्की करना चाहते हैं और इस वैकेंसी में अपनी वर्दी धारित करना चाहते हैं। तो गाइज इस नोट से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं जो कि काफ़ी सस्ता है, ऐसा नहीं है कि काफ़ी महंगा है, इससे ज़्यादा रेट में आपको काफ़ी सारी बुक मिलेगी, बट उन सभी बुक्स का निचोड़ इस नोट्स के अंदर रहेगा और जो कि उनके मुकाबले आपको 100 गुना फायदा देने वाला है। इसका प्राइस आप देख सकते हैं 199 है, काफ़ी कम है, मुझे भी काफ़ी कम ही लग रहा है, बट आपके लिए ये प्राइस देना कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि आप चाहते हैं कि चाहे आपसे कितना भी प्राइस ले लिया जाए पर आपका जो एक प्रैक्टिस सेट है वो अच्छा मिले, आपको एक अच्छा नोट्स मिले जिससे कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो आसान हो सके। तो गाइज वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है इसको परचेज करने का, आप इसको परचेज कर लीजिएगा, इसमें आपको बहुत कुछ मिलेगा। एंड अगर आपको नोट्स से संबंधित कोई भी क्वेरी हो तो आप इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप करके ऑफिशियल वे में जानकारी भी ले सकते हैं, यानी कि आपको यहाँ पर नोट के साथ में हेल्प भी दी जाएगी जो कि आप भर्ती से जुड़ी हुई या फिर नोट्स से जुड़ी हुई चाहते हैं। तो जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है इसको परचेज कर लीजिए और कोई सवाल डाउट हो तो वो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। फिर आपको डेट ऑफ इश्यूइंग डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आपका जो निवास प्रमाण पत्र है ये कब आपने जारी कराया है वो डेट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट सीरियल नंबर जो कि आपके सर्टिफिकेट के ऊपर मेंशन होगा, लिखा गया होगा, वो आप यहाँ पर 14D में लिख देंगे। 14E में आपका जो होम डिस्ट्रिक्ट है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर जो आपकी कास्ट कैटेगरी है 15 में आपको सेलेक्ट करनी है, जनरल SC ST OBC जो भी है, जैसे कि अगर आपकी जनरल के अलावा अन्य कोई कैटेगरी है तो आपके सामने अतिरिक्त ऑप्शन आएंगे जहाँ पर आपको 15.A में सेम वे में हमें बताना है कि आपका जो यहाँ पर कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो कौन से अधिकारी की पोस्ट ने जारी किया है, जैसे कि तहसीलदार, डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर, तो जिसने भी जारी किया उसी पोस्ट को यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। एंड देन फिर यहाँ पर कब आपका सर्टिफिकेट जारी हुआ है वो डेट आपको सेलेक्ट करनी है और कैटेगरी सर्टिफिकेट सीरियल नंबर देना है और फिर जो कैटेगरी एप्लीकेशन नंबर है वो भी आपको देना होगा। दोनों अलग अलग नंबर होते हैं जो कि आपके सर्टिफिकेट के ऊपर मेंशन होंगे। अगर कैटेगरी एप्लीकेशन नंबर नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं, बट कैटेगरी सर्टिफिकेट सीरियल नंबर देना अनिवार्य है। जनरल के ऊपर ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं होती है तो इसलिए इनके सामने ये ऑप्शन नहीं आएगा। अब 16 पॉइंट आते हैं कि क्या आप स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित है, अगर आप डिपेंडेंट है फ्रीडम फाइटर के तो आपको यस करना है, नहीं तो आप नो कर दीजिए। फिर सवाल है कि क्या आप उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के कर्मचारी है और आपके पास आवश्यक प्रमाण पत्र है, अगर है आप UP गवर्नमेंट के इंप्लॉई तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। फिर सवाल है 18 पॉइंट कि क्या आपने होमगार्ड में न्यूनतम 3 वर्ष की सेवा की है, अगर आपने की है तो तभी आप यस करिएगा, नहीं तो आपको नो करना है। फिर 19 पॉइंट है कि क्या आप एक सर्विसमैन है, अगर है तो यस, नहीं तो आपको नो करना होगा। अब आती है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो सबसे पहले आप यहाँ पर 10th की इन्फॉर्मेशन देंगे, 10th आपने किस बोर्ड से किया है उस बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। फिर आपको यहाँ पर उत्तीर्ण करने का महीना और साल बताना होगा, तो किस महीने के अंदर आपने पास किए वो महीना आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है और किस साल के अंदर पास किए वो साल भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे और डन के ऊपर क्लिक करेंगे। रिजल्ट स्टेटस में आप पास सेलेक्ट कर लेंगे, रोल नंबर आपका 10th का जो भी था वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। एंड देन आपको यहाँ पर आपका जो सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट सीरियल नंबर है वो एंटर करना है, तो इनमें से कोई एक चीज आप डाल दीजिए, चाहे सर्टिफिकेट नंबर या फिर मार्कशीट सीरियल नंबर। फिर आपको सेम वे में 21 पॉइंट में आपकी 12वीं की इंफॉर्मेशन देनी है, तो 12वीं आपने किस बोर्ड से किया उस बोर्ड का नाम लिखेंगे, कब आपने आपकी 12वीं पास कर ली थी वो आप यहां पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। एंड देन यहां पर आपको पास सिलेक्ट कर लेना है स्टेटस में और फिर आपको 12वीं का रोल नंबर एंटर करना है जो भी आपका रोल नंबर है, एंड मार्कशीट सीरियल नंबर या फिर सर्टिफिकेट नंबर आप यहां पर डाल देंगे। अब नीचे आएंगे तो एक और सवाल है 22 जिसमें कि पूछा है कि क्या आपने DOESSC या फिर NIELIT से कंप्यूटर में ओ लेवल प्रमाण पत्र प्राप्त किया है, अगर आपने किया है तो यस करेंगे। एंड देन फिर आपको उसकी जानकारी भी देनी होगी कि आपका सर्टिफिकेट किस अथॉरिटी ने जारी किया है, जैसे कि DOESSC के द्वारा या किसके द्वारा वो आप लिखेंगे, एंड कब सर्टिफिकेट जारी हुआ है वो डेट सेलेक्ट करेंगे और साथ ही सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर भी आपको देना होगा। बट अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पर नो कर दें, आपके सामने ये ऑप्शन नहीं आएंगे।
23 पॉइंट है कि क्या आपने 2 साल की न्यूनतम अवधि के लिए प्रादेशिक सेना में काम किया है, अगर किया है टेरिटोरियल आर्मी के अंदर काम तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर सवाल है 24, क्या आपने राष्ट्रीय कैडेट कोर में भी प्रमाण पत्र प्राप्त किया है, क्या आपके पास एनसीसी बी सर्टिफिकेट है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप यस करेंगे, अगर है तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर आता है आपका कॉरेस्पॉन्डेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस, तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वह आप यहाँ पर 25 पॉइंट A, B, C, D इनके अंदर एडजस्ट कर देंगे। थोड़ा थोड़ा पार्ट आपको यहाँ पर तीनों लाइन के अंदर लिख देना है और फिर यहाँ से जो आपकी स्टेट है वो सिलेक्ट कर लेनी है और फिर आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है वो आपको सिलेक्ट करनी है एंड देन आपको यहाँ पर आपका जो पिन कोड है वो भी डाल देना है। इसके बाद में यहाँ पर आता है आपका परमानेंट एड्रेस, अगर आपका कॉरेस्पॉन्डेंस यानी कि प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस एक ही है तो आप यहाँ पर सेम एज कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस इसके ऊपर टिक कर देंगे और फिर आपने जो भी जानकारी भरी है अभी तक वो सभी चेक करते हुए प्रीव्यू एंड सबमिट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपने जो भी जानकारी भरी है उसका प्रीव्यू आपके सामने है, एक एक करके अच्छे से जानकारी को चेक करना है, अगर आपको लगता है कोई जानकारी गलत हुई है तो अभी भी आप उसको सही कर सकते हैं, नहीं तो आपको यहाँ पर इनके ऊपर टिक करना है जो कि आपको यहाँ पर टिक करने के ऑप्शन दिए गए हैं, आप इन सभी के ऊपर टिक कर दीजिए। टिक करने के बाद में यहाँ पर आप नीचे आइए और जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपको लगता है कोई जानकारी गलत हुई है तो एडिट रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक करके एडिट कर ले, नहीं तो गाइज आपको यहाँ पर एक कैप्चा कोड डालना है और इसको डालने के बाद में सबमिट एंड नेक्स्ट ओटीपी एक्टिवेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर राशन स्टेटस देखेंगे और आपका जो राशन नंबर है वो आपके सामने है। अभी आपको यहाँ पर एक्टिवेट थ्रू ओटीपी इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर गाइज जो राशन नंबर आपको मैसेज के माध्यम से मिला है वो आप डालेंगे, जो डेट ऑफ बर्थ आपने फॉर्म के अंदर भरी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे एंड जो ओटीपी आपको राशन नंबर के साथ में मैसेज के माध्यम से सेंड किया गया है वो ओटीपी आप यहाँ पर डालेंगे, ये कैप्चा कोड फिल करेंगे एंड देन एक्टिवेट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। एक्टिवेट के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपका जो राशन है वो एक्टिवेट हो जाएगा और फिर आपके सामने यहाँ पर लॉगिन का पेज आएगा इस तरह का जैसा कि आप देख सकते हैं। फिर आपको दोबारा से राशन नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ अपनी सिलेक्ट करनी है जो कि अभी आपने फॉर्म के अंदर भरी है, ये कैप्चा कोड यहाँ पर डालना है एंड देन लॉगिन इसके ऊपर क्लिक करना है। लॉगिन करने के बाद में आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन आएगा। गाइज मैंने ऑलरेडी जैसे कि कहा इसका फॉर्म भर लिया है और अभी जब आप इसमें राशन को एक्टिवेट कर लेते हैं तो आपके सामने तुरंत फीस को जमा करने का ऑप्शन आता है जो कि मैं कंप्यूटर से कैसे किया था उसी का पार्ट ऐड कर रहा हूं, क्योंकि गाइज मैंने पहले वाली भी फीस भी यहां पर सिर्फ इसलिए ही दी है ताकि आपको बता सकूं कि कैसे आपको फॉर्म को भरना है। मैं इसको पर्सनली फॉर्म को नहीं भर रहा हूं, सिर्फ मैंने डेमो के लिए भरा है, सभी जानकारी मेरी डमी है, फेक है, कोई रियल में इसको मैं नहीं भर रहा हूं, बस आपके लिए ही मैंने 400 रुपये दिए हैं ताकि आपसे ना कोई मिस्टेक हो और आपका फीस का अमाउंट वेस्ट ना जाए। तो आगे मैं उसी वीडियो से जो कंप्यूटर से ली गई है वो पार्ट ऐड करके आगे का प्रोसेस दिखा रहा हूं कि कैसे आपको बाकी का फॉर्म भरना है। अब गाइज यहां पर आपके सामने एप्लीकेशन फीस का अमाउंट आएगा, आपको यहां पर जो भी आपके सामने अमाउंट है बेसिकली सभी को एप्लीकेशन फीस 400 रुपये ही पे करनी है, ये आपको यहां पर देखते हुए पे नाउ के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको यहां पर पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा, तो आप अपनी एप्लीकेशन फीस यहां पर इनमें से किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके जमा कर पाएंगे जैसे कि इंटरनेट बैंकिंग, UPI, तो आप जिस भी माध्यम से फीस को जमा करना चाहते हो आप यहां पर सेलेक्ट करें, अगर UPI तो फिर आपको यहां पर जिस माध्यम से फीस को सेलेक्ट जमा करनी है वो आप यहां पर चूज करके फीस को जमा कर दीजिए। तो गाइस यहां पर जैसे ही आपकी एप्लीकेशन फीस जमा हो जाएगी तो आपके सामने यहां पर फोटोग्राफ सिग्नेचर एंड डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन आ जाएगा। मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भरा हूं सिर्फ ये बताने के लिए कि कैसे आपको फॉर्म को भरना है और इसके चक्कर में मैंने आपके लिए यहां पर 400 रुपये फीस का अमाउंट भी दिया है ताकि आप लोगों से कोई गलती न हो। तो उस चीज को कंसिडर करके अगर आपको लगता है कि कुछ मैंने स्पेशल किया तो यार वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा एंड अगर आप चैनल के ऊपर नहीं है तो आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा। तो अभी आप यहां पर फोटो एंड साइन अपलोड करेंगे, फोटो का साइज 20 से 50 KB और इनमें से फॉर्मेट कोई भी चल जाएगा, तो आप यहां पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, जहां पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको सेलेक्ट करनी है। जैसे कि मैं यहां पर इस इमेज को सेलेक्ट करता हूं, ओपन करता हूं और अपलोड के ऊपर क्लिक करता हूं तो आपकी फाइल यहां पर अपलोड सक्सेसफुली आ जाएगी, तो आप यहां पर आपका फोटो वेरीफाई कर सकते हैं एंड देन यहां पर गाइज आपको आपका सिग्नेचर अपलोड करना है। इसका साइज 5 से 20 KB के बीच में रखा है, तो जहां पर साइन है सेलेक्ट करें और यहां से ओपन करें और अपलोड के ऊपर क्लिक करके इसको भी अपलोड कर दे। फिर आपको यहां पर 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, फॉर्मेट इनमें से कोई भी चलेगा, तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करें, जहां पर आपकी फाइल है वो यहां से सेलेक्ट करें एंड यहां से ओपन करके अपलोड के ऊपर क्लिक करके इसको भी आप अपलोड कर
दे। फिर आपको यहाँ पर 12वीं का जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है, तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करें, फाइल को सिलेक्ट करें, अपलोड के ऊपर क्लिक करें एंड देन इसको भी अपलोड कर दे। फिर आपको यहाँ पर आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना है, तो जहाँ पर भी सर्टिफिकेट है वो सिलेक्ट कीजिए, यहाँ से ओपन कीजिए, अपलोड के ऊपर क्लिक करके इसको भी अपलोड कर दीजिए। एंड देन अगर आपने ओ लेवल जो सर्टिफिकेट होता है उसमें यस किया था तो फिर वो भी आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा, आप यहाँ पर इसको सिलेक्ट करके अपलोड कर दीजिए। तो मैंने इस फॉर्म को डेमो के लिए भरा है और इसीलिए मैंने यहाँ पर सभी डेमो के लिए इमेज अपलोड किए हैं, क्योंकि ये फॉर्म मैं रियल में नहीं भर रहा हूँ, सिर्फ आपको बताने के लिए भर रहा हूँ। और इसी चक्कर में मैंने आपके लिए 400 रुपये फीस भी दी है। तो अगर आप ये कहें कि आपने तो यहाँ पर सभी में एक ही डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया, तो मैं आपको क्लैरिफाई कर रहा हूँ क्योंकि मैंने क्यों करा है। अब आपको यहाँ पर बेसिकली फाइनल सबमिशन एंड नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक करना है। अभी आप देख सकते हैं कि आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है, आपका राशन नंबर आपके सामने है। आप प्रिंट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ से अपने एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट कर लीजिए। अगर आपके पास अभी प्रिंटर मौजूद नहीं है तो PDF के रूप में सेव कर लीजिएगा और बाद में आप इसको प्रिंट करा लीजिएगा। तो इस तरह से गाइज आप लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म 2023-2024 को भर पाएंगे। सभी कैंडिडेट को ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।